शहर की पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वेयर हाउस के गोदाम के पास रहने वाले दो मजदूर परिवार फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं, जिसमें एक ढाई साल के बालक की मौके पर मौत हो गई। बाकी दो महिलाओं सहित पांच परिवार के लोग बीमार हैं, उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले के अनुसार पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बने वेयर हाउस गोदाम के पास मोहनलाल का परिवार रहता है। गुरुवार दोपहर रेड़ी वाला भुजिया बेचने वाला आया था, जिसे खाकर परिजनों की तबीयत बिगड़ गई। ढाई साल के बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि पांच लोग परिवार के अभी भी गंभीर हालत में हैं। कल दोपहर में कल एक रेड़ी वाला आया था इधर, उसे कुछ कुरकुरे वगैरह जो भी लिया वो लेके अंदर गए। बच्चे ने खाया पिया, उसके बाद में 10-15 मिनट बाद मेरे को खबर मिली कि फ़ोन आया, वहाँ मैं काम पे था, वहाँ पे खबर गई कि बच्चे बीमार हैं। इतने तबीयत बिगड़ गई। हाँ, इतने में तबीयत मेरी बिगड़ गई उसकी, बच्चों की। मैं आते ही देखा यहाँ उल्टियाँ पलटियाँ जो भी सारा उल्टी पलटी बहुत हो रही थी। मैं फिर लेकिन को गया हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जी। जी रेड़ी वाले को जानता हूँ जी। जो पीछे गली में रहता है, किराए पे मकान ले रखा है। संजय जी नाम है। यहाँ जब आया तो मैं देखा बच्चे को बुखार था, वो उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ। 10-15 मिनट बाद फिर उनको उल्टियाँ शुरू हो गई। फिर उनको मैं पीछे रहता शर्मा, उसको मैं लेके आया, बुलाक लेके आया था। वो यहाँ पे दिखाया उसको, एक इंजेक्शन लगवाया और इंजेक्शन लगवा के कहता है 1 घंटे बाद इनको सही हो जाएगा कुछ। फिर मैं वो चला गया, उसके बाद 10-15 मिनट में देखा उनकी उल्टियाँ पलटियाँ बंद ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने एक ऑटो किया, उसके बाद लाया सब लोगों को ऑटो से लेके गया पुराना हॉस्पिटल के पास। वहाँ जाते ही अंदर प्रवेश करते ही छोटा वाला बच्चा, उसका नाम विराज है, वो घुसते ही अंदर वो देहांत हो गया और वो बच्चे को जाके अंदर एडमिट करवाया। फिर कुल कितने लोग इस मामले में आपके परिवार के जो बीमार हैं? जी 3 लोग। और भी लोग इसमें? हाँ, और पास में रहते हैं 2 लोग, 3 लोग वो भी हैं। तो 6 लोग कुल? हाँ, 6 लोग कुल मिला के 6 लोग हैं जी। उनमें से एक की डेथ? हाँ, उसमें एक 6 लोगों में से एक की डेथ हो गई। मैं तो काम पे था वहाँ पे, जब मेरे पास फोन गया तो मैं वो जब पहुँचा वहाँ तो यही कहा कि इसी हालत डो है। मैं तुरंत काम पर से भाग लिया। के बाद में जब आया तो यहाँ भी आर अटारी लगा रखा था, मैं कहा इसको ले कर चलो, और रास्ते में पहुँचने पर बच्चा ख़त्म हो गया। अब ये तो मैं बता नहीं सकता कितने लोग पर है, बस ये मेरे को पता चला कि कुछ खाया पिया बस, और मैं ये नहीं बता सकता कि कितने लोगों लिए है कितने लोगों ने।